है, हम कह सकते हैं कि बस लास्ट है, इसके बाद हमें नहीं कराना होगा, वो नौबत कब आती है? देखिए ऐसा है, ट्रांसप्लांट को तो मैं ऑप्शन की गिनती में ही काउंट नहीं करता। डायलिसिस तो ठीक है आपने मेंटेनेंस के लिए करा लिया, लेकिन अब अगर हमने वैज्ञानिक तरीके से एक चीज़ सिद्ध कर दी है कि किडनी का फंक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है, तो फिर भी अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहें तो फिर वो आपकी है। लेकिन ट्रांसप्लांट की भी एक लिमिट्स होती हैं, कई बार जो है ओटी से निकले आधा घंटा चला, वो डॉक्टर्स के लिए जो होगा वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है अगर किडनी जो है वो आधा घंटा भी चलती है, लेकिन वो पेशेंट के लिए तो वो किडनी फेल हो गई। ट्रांसप्लांट कराया उसने, अब ऑर्गन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि रेडी पे ले लिया, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, 5-10 लाख का अरेंजमेंट होता है, सब चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होगा, रूट कॉज पर ट्रीटमेंट होगा, नींव पर ट्रीटमेंट होगा, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगी विजिबल होगी आपको कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। होता है कि आप एलोपैथी में शुरू करते हैं, जिस पैथी में इसका इलाज ही नहीं है तो उस पैथी में आप शुरू करते हैं ट्रीटमेंट कराना, उसमें आपको दी जाती है आयरन कैल्शियम बीपी की दवाई दी जाती है, शुगर की दवाई, बीपी की दवाई तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट भी दे देगा, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही क्या है अगर आपको बीपी आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ ही देनी है, हीमोग्लोबिन की देनी है, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट अगर वो आपकी अपनी किडनी रिवाइव नहीं कर पा रहे मेडिसिन से, तो आपकी बाहर की लाई हुई किडनी कैसे रिवाइव होगी, कैसे वो काम करेगी। अगर बेस्ट तो यही है कि आपकी अपनी जो किडनी है वही काम करने लग जाए, वही उसी में आपको इम्प्रूवमेंट चेंजेस आने लग जाए, तो उससे बेस्ट और बेटर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। अब अगर हम सारी बातों को पहले सोच समझ कर आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो शायद वो हमारे लिए भी काफ़ी मुनासिब होगा, हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, और इसका ध्यान तो आप लोगों को ही रखना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये नौबत ही ना आए कि हमारी किडनी खराब हो, और ये नौबत ही ना आए कि हमें दवाई खानी पड़े, ये नौबत ही ना आए कि हम इतना परेशान हो अपनी किडनी को लेकर, क्योंकि ये हमारी दो किडनियाँ ना ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे अंदर, और इसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जानते हैं कि अगर किडनी फेल हो जाए, किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, तो इंसान की ज़िंदगी एक नर्क बन जाती है, इंसान बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठता है अगर किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अपने खान पीन को लेकर ज़रूर आप लोग बदलाव रखें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, एक्सरसाइज करें, योगा करें, और भी बहुत सारी बातें मैं पूछूंगी अभी डॉक्टर साहब से, लेकिन आप लोग इन नंबर्स पे लगातार संपर्क करते रहें पूरी जानकारी के लिए। तो जब यहाँ लाइफस्टाइल के बारे में बात आई है तो बहुत बिगड़ रहा है आज का लाइफस्टाइल, आपके हिसाब से क्या चेंज करना चाहिए? जी देखिए ऐसा है, जितने भी पेशेंट्स हैं किडनी के पेशेंट्स हैं और जितने भी अन्य लोग हैं, सभी के लिए जो है लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा ही इम्बैलेंस हो गया, सब चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं। हाई बीपी, हाई डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ एंड हाई बीपी, ये दो मेजर रीजंस हैं किडनी फेलियर के। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार और कई चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जो अंडरलाइन कॉज है वो यही है कि जब डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल होती चली जाती है तब किडनी पे अफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं डायबिटीज़ की कि डायबिटीज़ से ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेशन ही मार देती है, तो उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन है कि किडनी फेल हो जाती है। और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो रेगुलर बढ़ते चले जा रहे हैं, डायलिसिस सेंटर रेगुलर खुलते चले जा रहे हैं, डायलिसिस के बजाय किडनी को रिवाइव करने के लिए, किडनी को अपनी किडनी को आपके किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए कोई इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो GFR जब पेशेंट का होता है, कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि हमने जो क्रेटनाइन से GFR कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि एक कैलकुलेटर MDRD कैलकुलेटर भी उपलब्ध है इंटरनेट पर, उसमें क्रेटनाइन से GFR कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो सरासर फेल कैलकुलेटर है, उसमें जो होता है वो EGFR होता है, एस्टिमेटेड GFR होता है। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आपका देखा जाता है GFR कितना है, और फिर रिपीट कराया जाता है, फिर वैज्ञानिक आधार पर सारी चीज़ें आगे की जाती हैं, वैज्ञानिक आधार पर आपको डायलिसिस कम किया जाता है, और जिन लोगों का डायलिसिस शुरू नहीं हुआ उनको डायलिसिस से सेव किया जाता है, और जिनका रेगुलर चल रहा है महीने में, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 2 बार चल रहा है, उनको कम किया जाता है। और अगर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो भी ज़रूर आके मिलिए एक बार, ज़रूर देखिए, ट्रीटमेंट में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी 6 महीने बेड से उठने में लग जाते हैं, हमारे यहाँ तो आपको 3 महीने के बाद टेस्ट कराएंगे, आपको चेंजेस नज़र आएंगे। चलिए अब बात ज़रूर करना चाहूँगी उन सूत्र को लेकर जो आप बताते हैं, और आप हमेशा कहते हैं कि अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप सूत्र ज़रूर बताएं। जी देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रेगुलर फॉलो कीजिए, सभी के लिए गुड है। पानी जब भी पीजिए बैठ के पीजिए, खड़े होकर कभी मत पीजिए, और पानी को हमेशा सिप सिप करके घूट घूट करके पीजिए, गटागट से मत पीजिए, और कोशिश कीजिए पानी को ग्लास से पीजिए, बॉटल से नहीं पीजिए। और साथ में जब आप शुरू करें सारी चीज़ें ये रेगुलर फॉलो कीजिए, जो किडनी पेशेंट्स हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी, जो स्वस्थ हैं वो भी फॉलो कीजिए, और जो पेशेंट्स हैं वो भी।
बाकी जो किडनी से की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सबसे मेन चीज़ यह है कि आप वो डाइट का भी फॉलो कीजिए। जब आप हमारे पास आएंगे आपको मेडिसिन दी जाएंगी, आप रेगुलर उनको फॉलो करेंगे, साथ में एक कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट दिया जाएगा जो सभी पेशेंट्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी का जो होता है पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी का पोटेशियम कम है, क्रिएटिनिन किसी का रेगुलर बढ़ रहा है, यूरिया किसी का बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है, सोडियम है, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सभी चीज़ों को देखते हुए एक पर्सनलाइज डाइट चार्ट दिया जाएगा पेशेंट को। और वो डाइट चार्ट रेगुलर फॉलो कीजिए, मेडिसिंस रेगुलर लीजिए, चेंजेस आपको विजिबल होते चले जाएंगे, कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, विजिबल होंगे आपको। चलिए, तो ये सब कुछ आप खुद देखेंगे अपनी आंखों के सामने, क्योंकि जब आप अपनी रिपोर्ट कराएंगे तो आज की रिपोर्ट को और एक या डेढ़ महीने वाली रिपोर्ट को आप ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, और बल्कि हम चाहेंगे आप अपनी रिपोर्ट हमें भेजें और हम इस कार्यक्रम में आपकी वो रिपोर्ट सिखाएं। तो बस आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। पूरी जानकारी लेने के लिए आपको लेकिन नंबर्स पर लगातार संपर्क करना होगा। डॉक्टर पुनीत धवन हमेशा आपके साथ हैं, आपको स्वस्थ करने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। अगर आप चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से ठीक होना तो आप तुरंत नंबर पर कॉल करके पूरी पूरी जानकारी ले लें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों से चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। My name is AK Divan. My mother Rajarani, she is around 74 year old and she was diagnosed kidney dialysis on 7th of May. But instead of dialysis, I approached Dr. Puneet Dhawan because the creatinine level at that time was around 9.6. And then we started this treatment from Dr. Puneet, and in 1 month it was around 8.6. Then next month it was 5.6, and now it is 5. In last 3 months or 3.5 months, it is around 5. So we are continuously improving on this kidney part, and she is feeling very healthy, now running around and doing her own homework, kitchen, everything. I think so that if we continue with these medicines, probably another short time she will be nearing the normal creatinine level. अगर आप किडनी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें 0987171205 0114264474। आप अपनी समस्या हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। हमारी वेबसाइट है www.karmaayurveda.com। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B2 3 4, ऑपोजिट निम्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 35।